Hello everyone, welcome to the master classes. Today we are going to complete chapter number 3 of economics class 10 money and credit. तो बच्चों शुरू करेंगे आज हम लोन्स के साथ ओके और हम चैप्टर बिल्कुल एंड कर देंगे आज, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और आइए शुरू करते हैं क्लास एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों लोन्स जो है हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ओके, तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स बच्चों क्या होता है, कहाँ से हम फॉर्मल सेक्टर लोन्स लेते हैं? लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, जो हम बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनसे जब हम लोन लेते हैं बच्चों, तो वो हमारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। सेकेंड है बच्चों इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, इसमें क्या होता है, जो जब हम कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे या फ्रेंड्स होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं, नॉर्मल जो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी भी एक इंसान से, अपने एम्प्लॉयर से या ट्रेडर से, रिलेटिव से, इनसे जब हम लोन लेते हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ओके, तो लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एट्सेट्रा, इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों डिफरेंस है इसमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। कैसे, देखो बच्चों क्या होता है, जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं ना उसमें जो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, वो सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। ठीक है, तो वो पूरी जानकारी रखता है कि किस तरीके से जो बैंक्स हैं वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो बड़े बड़े ट्रेडर्स को ही लोन दे, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको लोन ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली बैंक्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं टू द RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट वॉट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो क्या होता है कि RBI जो है बैंक्स की फंक्शनिंग को देखता रहता है, सुपरवाइज करता रहता है। ऐसी अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल सेक्टर की, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बच्चों जो कि सुपरवाइज करे क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और यही एक रीज़न होता है बच्चों कि जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स है इसमें जो भी लेंडर होता है वो बहुत ही मतलब बुरा तरीके से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक्सप्लॉइट करता है बोरोअर्स को, कर सकता है, ज़रूरी नहीं है बट करता है, नॉर्मल केसेस में होता है कि रिकवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं बोरोअर्स को। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसे जो कि इन पर नज़र रख सके। और वहीं अब बात करें फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट की बच्चों, तो यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन सेक्टर है इसमें क्या होता है, जो लेंडर्स हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बोरोअर्स से। ओके, और यहाँ पे अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सबसे लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें पता है कि हम जो है जिन तरीके से काम चल रहा है हमें कोई लूट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल में कोई भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसलिए हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो रिलेटिव्स हैं या मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो हमसे कुछ भी इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में बहुत ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो लोग हैं, ये जो लेंडर्स हैं, ये हमसे, जो बोरोअर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जितना हमारा लोन नहीं होता मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कई बार हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है, इनकम भी नहीं होती बंदे की उतनी कि इतना इंटरेस्ट रेट वो पे कर करके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसी सिचुएशन पढ़ी थी जहाँ पे वो क्या था कि जो भी एक लेडी थी उसने लोन लिया, फिर वो चुका नहीं पाई, रीपे नहीं कर पाई, तो करते करते वो डेट ट्रैप में फंस गई। तो ये सिचुएशन नॉर्मली इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में आ जाती है। ओके बच्चों, तो इसीलिए हमारी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें बच्चों, तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। रूरल एरियाज़ में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन्स लेते हैं और फिर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ओके, तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशल फॉर द कंट्रीज़ डेवलपमेंट। ओके, तो देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये सब हमने क्लियर कर लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, तो ये SHG ये क्या होता है? ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बच्चों क्या था कि रूरल एरियाज में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और विमेन वगैरह, विमेंस ने बेसिकली रूरल एरियाज में ये स्टेप जो है ये आइडिया इनिशिएट किया था, जिसमें इन्होंने कुछ जो वुमेन थी उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया. ओके, ये शुरुआत की जिसमें 15 और 20 अप्रॉक्सीमेटली मेंबर्स होते थे, वुमेन मेंबर्स होती थी, मेन भी हो सकते हैं, मतलब कुछ मेंबर्स मिलकर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, छोटा सा ग्रुप बनाया. फिर उसमें ये लोग अपनी जो सेविंग होती थी मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, थोड़ा सा अमाउंट कोई ज़्यादा, जितनी हर एक की कैपेबिलिटी है, 25 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से उन्होंने जो डिपॉजिट करने, जमा करने शुरू किए हैं. ठीक है, फिर मेंबर्स जो है, अब क्या होता था कि जब भी जिसको ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसका मेंबर है SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं ना वो ले सकता है टू मीट द नीड्स. ओके, तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. अब क्या था कि छोटे छोटे लोन्स तो आपको पता है कोई भी बैंक से लेगा नहीं, और साथ ही साथ अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो कोलैटरल देना ज़रूरी होता था, कोलैटरल गांव वाले के पास होती नहीं थी, रूरल एरियाज में होती नहीं थी. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये आइडिया जो है वो इनिशिएट किया गया, जिसमें SHGs हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल. ठीक है, तो आपको कोलेट्रल का मीनिंग लास्ट सेशन में मैंने बता दिया था. ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, इससे जो गांव वाले हैं, एक तो उनकी हैबिट बन गई कि थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो जोड़ने चाहिए, जमा करने चाहिए, है ना. फिर अब जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है, फिर एक प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो गई कि जिसको भी छोटा मोटा लोन चाहिए वो ग्रुप में जाकर ले सकता था और बाद में उसको चुका सकता था, और इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था. ठीक है, अब क्या होता था कि जब ये मेंबर्स अच्छा ग्रुप बन जाता था तो ये लोग SHG जो है, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अपना ग्रुप के नाम से भी बैंक से लोन भी ले सकते थे. ठीक है, अगर आपका ग्रुप अच्छा है, सारे मेंबर्स एक्टिव रहते हैं, सारे मेंबर्स बहुत ऑनेस्ट हैं, तो बैंक जो है, बैंक में जाके वो लोग अकाउंट भी खुलवा लेते थे और क्या करते थे, लोन्स जो है बैंक से भी ले लेते थे. किस नेम पर? सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेम पर. ओके, किसी पर्टिकुलर नहीं. और फिर क्या होता था, उस लोन को सारे मिलकर एक बार ही चुका देते थे और इंटरेस्ट रेट जो भी होता था, फिर धीरे धीरे वो मतलब जब डिपॉजिट हो जाते थे पैसे तो लोन जल्दी चुक गया और धीरे धीरे जो बोरोवर है उससे भी पैसे ले लिए. तो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल, ये कन्वीनियंट रहा गांव वालों के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट था जिससे लोगों की हेल्प हो सकी गाइस. ओके, तो ये बहुत ही छोटा सा, एक बहुत इजी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से. ओके, एक छोटा सा इसमें पॉइंट है कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था, प्रोजेक्ट था, जो कि 1970s में स्टार्ट हुआ था एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, लेकिन 2018 में ग्रामीण बैंक जो थे इन्होंने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली थी कि ओवर 9 मिलियन मेंबर्स वर देयर इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस द बांग्लादेश. तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश में एज अ ग्रामीण बैंक बहुत ही चला था. तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो. और वुमेन के लिए यहाँ पे वुमेन्स इसकी मेंबर्स थी और काफ़ी सारा इसमें इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट हुआ था कि वुमेन ने अपने बिजनेस जो है, छोटे छोटे बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिए थे. और यहाँ पे ये जो हमारा SHGs है ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. इसमें जो वुमेन है इन्होंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट करी गाँव में, इवन जो सोशल इश्यूज थे जैसे न्यूट्रिशन हेल्थ को लेकर, और जो भी वर्किंग वुमेन है या पुअर वुमेन है उनको लेकर जो भी माल न्यूट्रिशन होता था, तो उन चीज़ों को देखते हुए, उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये SHGs जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रही रूरल एरियाज में. ओके बच्चों, तो ये बहुत ही छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसी के साथ आपका मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जो है वो बच्चों फिनिश होता है. आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है बच्चों तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच, बाय बाय.